जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत टेक्स्ट बुक में एकादश पाठ वर्षा गीतिका के संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं, आप उन्हें अपने पाठ्यपुस्तक से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप उसे अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि इस गीत को सस्वर के साथ गाइए, तो आप इस गीत को पढ़िएगा और इस श्लोक को सस्वर के साथ गाइएगा। प्रश्न संख्या 3 से आपको इसके उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखितानाम प्रश्ननाम उत्तराणी एक पदेन लिखिए। लिखित यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। तो का प्रश्न दिया गया है, गगने का गर्जति। गगन का मतलब होता है बच्चों आसमान, गर्जति का मतलब होता है गरजना, यानी आसमान में कौन गरजता है? तो यहाँ पे लिखेंगे मेघा, मेघ का अर्थ होता है बादल। कृषका कम कर सती, कृषक कहते हैं किसान को, कर सती का मतलब होता है जोतना, यानी किसान क्या जोतता है? तो यहाँ लिखेंगे स्वक्षेत्रम, वह अपना खेत को जोतता है। किम नित्वा बालह गच्छति, क्या लेकर बाल जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे छत्रम, छाता लेकर बाल जाता है। ललिता किम करोति, ललिता क्या करती है? तो लिखेंगे नृत्यति, वह नाचती है। गवाक्षेण का पश्यति, गवाक्षेण का मतलब होता है खिड़की, खिड़की से कौन देखता है? तो लिखेंगे आरती। इस प्रकार आपको एक शब्द में इसके अर्थ लिखने हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजुषा से क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, यथा कृषका क्षेत्रम कर सकी, यानी किसान खेत को जोतते हैं, इसी प्रकार हमें भरना है। पहला यहाँ पे दिया गया है आरती गवाक्षेण, फिर यहाँ आरती गवाक्षेण का अर्थ है खिड़की से क्या करती है? देखती है। देखती का होगा पश्यति, तो यहाँ भरेंगे पश्यति। गीता, गीता गायती। चटका, चटका बोलते हैं चिड़िया को, तो चिड़िया क्या करेगी? चहचहाएगी। कूजती। लती, ललिता, ललिता क्या करती है? हमने अभी देखा प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में, कि ललिता किम करोती, तो वो नृत्य करती है, तो इसमें भी लिखेंगे नृत्यति। पीपीलिका, पीपीलिका बोलते हैं चींटी को, तो चींटी क्या करती है? चींटी अपने भोजन की रक्षा करती है। निज भक्ष्यम रक्षति, तो यहाँ पे रक्षति भरेंगे। मेघा गगने, मेघा यानी बादल, गगने यानी आसमान में, बादल आसमान में क्या करते हैं? गरजते हैं, तो लिखेंगे गरजति। इस प्रकार हमें क्रियापद को चुनकर भर देना है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ दे रखा है, विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम पदों को मिलाइए। कृष्ण, कृष्ण कहते हैं काला को, और काला का विलोम क्या होता है? सफ़ेद, सफ़ेद को बोलते हैं श्वेत, तो कृष्ण को मिलाइए श्वेत में। निज, निज बोलते हैं अपना, और परा बोलते हैं पराया, तो अपना को यहाँ पे निज को मिलाएंगे परा में। सहर्षेण खुशी से, खुशी का उल्टा क्या होता है? दुख, तो दुखेन यानी दुखी से। गगनम, गगन का अर्थ होता है आसमान, और यहाँ पे वसुधा का अर्थ होता है धरती। जिस प्रकार गगन पर्यायवाची है आसमान का, उसी प्रकार धरती का पर्यायवाची वसुधा होता है,
इसको मिलान करेंगे। शनेह शनेह, शनेह शनेह का अर्थ होता है बच्चों धीरे, यहाँ पे धीरे धीरे, इसका विपरीत होगा शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी जल्दी से, तो इसे मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या छठा करते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, वर्तमान कालस्य लट् लकारस्य एक वचन पदेभ्य द्विवचन बहुवचन पदानाम निर्माणम कुरुत, कि यहाँ पे वर्तमान काल में एक वचन का पद दिया गया है जिसमें आपको इसे द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है खादति, और खादति को द्विवचन में लिखा गया है खादता, बहुवचन में लिखा गया है खादन्ति। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे लास्ट में जो है अंतिम का जो अक्षर है उसमें ती की मात्रा है, तो इसमें ई की मात्रा होगा, ताकि सिर्फ विसर्ग लगाया गया है। बहुवचन में बदलने के लिए अधना और ता में दीर्घ हर्षय ति अंति लगाया गया है। इसी प्रकार हम भरेंगे, तो द्विवचन में पश्यति को क्या करेंगे, सिर्फ हर्षय की मात्रा हटा के यहाँ पर ता लगा देंगे, ता में विसर्ग लगा देंगे, तो पश्यता, और इसमें पश्यंती हो जाएगा। कूजति को होगा कूजता, और इसमें होगा कूजंती। वर्षति को होगा वर्षता, और इसमें वर्षंती। हर्षति का होगा हर्षता, और इसमें होगा हर्षंती। करसती का होगा करसता, और इसमें होगा करसंती। इस प्रकार ये बहुवचन हुए, ये द्विवचन हुए, और ये एक वचन हुए। प्रश्न संख्या सातवां यहाँ दे रखा है बच्चों, मंजुषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजुषा से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है कि प्रयागराज नगरे एकः गुरु वसति। प्रयागराज नगर में एक गुरु रहते थे। गुरु समीपम एक आगच्छति, गुरु के समीप एक आया, तो क्या आया, यहाँ पे रिक्त, यहाँ पे जो मंजूषा में उचित शब्द है शिष्य। गुरु समीपम एक शिष्य आगच्छति, शिष्य वदति, शिष्य कहता है आचार्य अहम विद्या ग्रहणाय आगतः अस्मि, कि मैं विद्या ग्रहण करने आया हूँ। कहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ को बोलते हैं अत्र, अत्र आगता अस्मि। गुरु शिष्य बुद्धि परीक्षणाय पृच्छति, गुरु ने शिष्य के बुद्धि परीक्षा हेतु पूछा। वत्स कुत्र अस्ति, वत्स कहाँ है, तो कहाँ है मतलब यहाँ पे आप मंजूषा में उचित शब्द को भरिए देव, कि देव यानी भगवान कहाँ है। शिष्य वदति, शिष्य बोलता है गुरुवर देवा कुत्र, यहाँ भरिए नास्ति, कि देव कहाँ नहीं है। कृपया भवान एवं समाधानम वदतु, कि उसके बाद गुरु प्रसन्न होते हैं उसके वाक्य, उसके उत्तर को सुनकर। गुरु प्रसन्नो भूत्वा, गुरु प्रसन्न हुए। वदति बोलते हैं देव सर्वत्र अस्ति, देव सभी जगह हैं। त्वं बुद्धिमानम असि, तुम बुद्धिमान हो, अतः त्वं अत्रैव वस, इस प्रकार आपको भर लेने हैं। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर एकादश पाठ वर्षका गीतिका के। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे द्वादश पाठ त्राया धुरता के। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।